तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग के कमाल की नए ऐप के अपडेट के बारे में, जो कि है अल्ट्रा डाटा सेविंग ऐप के बारे में। जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट देख ही लिया होगा कि उसके अंदर एक नया अपडेट आया, नए अपडेट के साथ नए चेंजेस क्या किए गए और एक्चुअल में कैसे अपन इस फीचर को यूज करते हैं, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो और हो सके मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलते रहते। चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ ऐप के अपडेट के बारे में, अल्ट्रा डेटा सेविंग ऐप के बारे में, तो उसके लिए जाना आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको चले जाना है अपडेट्स वाले सेक्शन पे, एंड देन वहाँ पर आप देखेंगे एक नया अपडेट यहाँ पर आपको अवेलेबल दिख रहा होगा, जो कि है अल्ट्रा डेटा सेविंग ऐप का। आप देख सकते हैं अल्ट्रा डेटा सेविंग ऐप का आपको ये नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल दिख रहा होगा। इसमें जाने के बाद आप देखेंगे इस अपडेट को, तो आप देखेंगे इस ऐप का अपडेट कब रोल आउट किया गया है, 25 अक्टूबर को, और जिसका साइज है 7.11 MB का, एंड देन साइज है इसका, इसका वर्जन है 5.00.23। अब यहाँ पर वैसे तो कुछ नया चेंजेस नहीं किया गया, पर जब भी कोई नया अपडेट आता है उसके अंदर सिक्योरिटी भी फिक्स की जाती है, कुछ बक्सेस होंगे उसको भी इम्प्रूव किया जाता है और कुछ इनहांस फीचर एड ऑन किए जाते हैं। अब आप देख लेंगे इसमें इसका यूज क्या है, अगर हम देखें इसके अंदर तो इसका मेन यूज क्या है, तो आप देखेंगे इसका मेन यूज क्या है। अल्ट्रा डाटा सेविंग इज मोबाइल डाटा सेविंग ऐप डिजाइन स्पेशली फॉर सैमसंग स्मार्टफोन, इट हेल्प सेविंग मोबाइल डाटा बाय डाटा कंप्रेसिंग एंड बैकग्राउंड डाटा रिस्ट्रिक्शंस। इसमें दो ही फीचर काम होते हैं, डेटा कंप्रेशन और रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड डेटा, दो ये काम करता है। दोनों चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कैसे अपन यूज़ करेंगे, इसके पहले वाले वर्जन में कैसे होता था और अब इसमें शायद कुछ नया अपडेट आ गया हो, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। मोबाइल की सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर डिवाइस एंड सिस्टम केयर पे, बैटरी एंड डिवाइस केयर पे। बैटरी एंड डिवाइस केयर पे जाने के बाद सबसे नीचे मिल जाएगा आपको अल्ट्रा डेटा सेविंग ऑप्शन, आप देख रहे हैं, आपको उस पर चले जाना है। उस पर जाने के बाद ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसको ऑन कर लेना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपसे इतनी सारी परमिशन मांगेगा, आप उसको ऑन कर लीजिए। जो ही चीज़ है जो मैंने आपको बताया सेम वही है, वही काम करता है। अब इसका मेन काम क्या है, सबसे पहले उसने क्या बताया, मैं डाटा कंप्रेशन का काम करता हूँ, तो उस डाटा कंप्रेशन पे चलते हैं। डाटा कंप्रेशन में जाने के बाद आपको उसको ऑन कर लेना है। डाटा कंप्रेशन काम क्या है, मतलब कि ये आपकी इमेज से रिलेटेड है। अगर आप किसी को इमेज भेजते हैं, जैसा कि लिखा है इमेज सेविंग, अगर आप किसी को इमेज भेजते हैं तो वो लो क्वालिटी में जाए, और अपलोड करते हैं तो कैसी क्वालिटी में हो आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं, या डाउनलोड करें तो कैसी क्वालिटी में हो। अगर आपके पास लिमिटेड डेटा है, जैसे कि आने वाले टाइम पे 5G आने वाला है, तो उस टाइम पे ये तो बहुत ज़्यादा ऐप काम आएगी, नहीं तो 5G फटाफट डेटा चले जाएगा, तो आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कर रखा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन लो पे जाए और जहाँ डेटा हमारा कम से कम खर्च हो, और अपलोड में थोड़ा मीडियम कर लिया कि चल जाएगा, हाई क्वालिटी में ना जाए। ऐसे ही वीडियो में जाएंगे तो वीडियो में अगर आप कंप्रेस करें तो मीडियम रहे, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी वीडियो क्वालिटी चाहिए। आप इसको और भी कम कर सकते हैं, और अपलोड कंपैरिजन में भी आप उसको यहां से कम ज्यादा ऐसा करना चाहें तो आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप ऑडियो में भी कर सकते हैं, तो आपको ये सबको यहाँ पर सेट आउट कर देना है ऊपर से ऑन करने के बाद, और अब जितनी भी एप्स होंगे ना जिसमें इमेज वीडियो और ऑडियो आ रही होंगी, ऑटोमेटिक वो उसको कंप्रेस कर लेगा। ऐसे ही आप नीचे आएंगे, मेन चीज डाटा बैकग्राउंड, लिमिटेड बैकग्राउंड डाटा। अब क्या होगा, जैसा कि मैंने यहां पर सेट कर दिया लिमिटेड बैकग्राउंड डाटा, तो ये जो एप्स मैंने यहां पर दिख रही है ना, इन एप्स में ही बैकग्राउंड डाटा यूज होगा और उसके अलावा नहीं होगा। मान लो अगर मैं व्हाट्सएप को यहाँ से हटा दूँ, तो अब मेरे पास जब तक मैं व्हाट्सएप को ओपन नहीं करूँगा तो मेरे पास कोई भी व्हाट्सएप का मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसका बैकग्राउंड डाटा इरेज कर दिया है। तो बैकग्राउंड में कोई भी, अगर मान लो बैकग्राउंड जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है तो बैकग्राउंड पे वो ऐप काम कर रही होती है, तो वो मैसेज आपको दिखता है नोटिफिकेशन में या फिर मैसेज में। अगर आपने यहाँ से उसको बंद कर दिया तो सारी नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगी, बिकॉज वो कर्क ही नहीं कर रहा है। जब आप उसको व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो ही उसका कोई भी मैसेज आपके पास आएगा, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ मैंने बंद कर दिया, और अगर अब मैं व्हाट्सएप खोलूँगा तो वो उसका नेटवर्क चालू होगा, फिर जो भी कुछ मैसेज आने वाले होंगे तो उसमें फटाफट आ जाएंगे। आप देख सकते हैं लास्ट मैसेज भी यहाँ पर अभी आ चुका है। तो ये काम होता है बैकग्राउंड डेटा का।
इन यहाँ पर आप मैक्सिमम 6 एप्स को डाल सकते हैं। उन 6 एप्स का काम क्या होगा, वो उन 6 एप्स बैकग्राउंड में डेटा यूज कर सकती हैं। जैसा कि आपको लगता है कि मेरी कुछ ऐसी एप्स हैं जो कि बैकग्राउंड में काम करना चाहिए, बैकग्राउंड में डेटा यूज करना चाहिए जिससे आपको फायदा हो, तो आप वहां पर डाल सकते हैं। फायदा मतलब आपका यूजेस हो तो आप यहां पर डाल सकते हैं। जैसे कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो फालतू में बैकग्राउंड में डेटा खाती हैं, जिसमें आपका नेट खर्च होता है, तो आप वहां पर उसको सिलेक्ट ना करें। जैसे कि व्हाट्सअप आपका जरूरी है, जैसे कि आपको व्हाट्सअप जरूरी है, व्हाट्सअप सेलेक्ट कर लिया, इंस्टाग्राम जरूरी है, फेसबुक जरूरी है, या जो जो सी आपकी ऑफिस की एप्स जो भी जरूरी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके अलावा कहीं भी आपका नेट खर्च नहीं होगा बैकग्राउंड डाटा में जब आप इसको ऑन करके रखेंगे। और जितना भी डेटा यहाँ पर सेव होगा सब आपको यहाँ पर डिटेल में बताता रहेगा, और डिटेल में जाके आप यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हैं कि कब कब कितना कितना आपने डेटा यहाँ पर सेव करा। मान लो मैं ऑल टाइम पे जाऊँ तो मैंने ऑल टाइम पे सिर्फ 9 MB सेट करा है, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मतलब ज़्यादा यूज़ तो करता हूँ मोबाइल को, बट डेटा सेविंग को ऑन नहीं करता। बट अभी के टाइम पे बहुत शानदार फीचर है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब 5G आ जाएगा तो ज़्यादा डेटा खर्च होगा, तब आप इसकी फीचर का यूज़ कर सकते हैं। नए अपडेट में इसकी जो भी कुछ परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया है, और कुछ इन्हांस बक्सेस होंगे उसको फिक्स आउट किया होगा। तो थैंक यू सो मच, ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप पर मुझे फॉलो कर लेना, और वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि ऐसी नई अपडेट्स सब तक पहुँच सके। तो थैंक यू सो मच।